अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हुस्ना स्टेटस। चलिए आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज संडे है, आज संडे का रूटीन शेयर करती हूँ मैं आप सब लोगों के साथ कि मैंने आज संडे क्या क्या किया है। वैसे तो हर संडे अलग अलग रूटीन रहता है, आज संडे मैंने क्या किया था, क्या नहीं किया है, मैं शॉप पर गई हूँ या नहीं गई हूँ, आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। चार से पाँच दिन हुए मैंने आप सब लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं की है क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी। मेरी शॉप पे नया माल आ गया है तो मैं बिज़ी हो जाती हूँ। फिर भी मैंने कोशिश की थी वीडियो बनाने की, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बना भी नहीं पाई और मुझे थोड़ा बिज़ी भी थी। चलिए आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं और आप सब लोग खैरियत से तो होंगे। ओके गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं जा रही हूँ मच्छी मार्केट मच्छी लेने के लिए। तो मुझे मच्छी का सालन बनाना है, मुझे बहुत याद आ गया है केरला स्टाइल। आप सब लोग जानते हैं मैं ज़्यादा मेरे पापा वगैरह भटकल से हैं तो मुझे भटकल का आइटम बहुत पसंद है खाने के लिए। चलिए आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। केरला स्टाइल हम मच्छी बनाएंगे आप सब लोगों के साथ। थोड़ा मच्छी को जाने से पहले मैंने अपने चिटिलो के साथ थोड़ा मस्ती कर ली। बहुत मज़ा आया मस्ती करने पर, वो भी गुस्सा हो गया था तो बहुत मस्ती की मैं उसके साथ, और अच्छा भी लगा मस्ती करके। वो भी बहुत मस्ती कर रहा था, उसको बहुत मैंने फास्ट कर दिया। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा आज का, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट करके वीडियो बनाया है। तो देखिए देख रहे बहुत मस्ती खोर हैं, बहुत मस्ती कर रहा है, हम दोनों ने बहुत मस्ती की है आज तो अच्छा भी लगा। कभी कभी मस्ती करना भी चाहिए और मैं ख़ास करके डेली मस्ती करती हूँ मेरे चिट्टू के साथ। मेरा चिट्टू नहीं है, वो मेरा चिट्टू बेबी है, उसके साथ बहुत मस्ती करती हूँ, बहुत सताती हूँ उसको मैं। वो भी मुझे बहुत मेरे साथ बहुत खेलता है। देखिए क्या भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं करता, उसको भी बहुत मज़ा आता है मेरे साथ खेलने में। तो देखिए अभी सो गया है, अभी कुछ भी कर लो, अभी उसको गुस्सा आ गया है तो नहीं खेलेगा। और अभी चलते हैं मच्छी मार्केट। मच्छी मार्केट जा रही हूँ तो आज मैंने प्लान नहीं किया था तो अचानक से प्लान हो गया कि आज हम 2.5K का हम सेलिब्रेट करेंगे और देखेंगे शाम में। शाम पूरे लास्ट तक बने रहिएगा मेरे वीडियो पर। आज 2.5 का सेलिब्रेट कर रही हूँ तो पहले मैं मच्छी मार्केट जाती हूँ। मच्छी मार्केट जाके मच्छी ले लेती हूँ। मच्छी लेके कौन सी मच्छी मिलती है देखते हैं। देख के हम कोशिश करते हैं कि दरिया की मच्छी लाएं। तो चलिए मुझे वो जो मैं केरला स्टाइल सालन बनाती हूँ तो उसके लिए तो मुझे केरला की मच्छी ही चाहिए। केरला की मतलब दरिया की मच्छी चाहिए। तो कभी कभी बोलते बोलते रुक जाती हूँ, आप सब लोग हंसी बिल्कुल हंसिएगा मत। अभी क्या बोलते हैं, अभी अभी प्रैक्टिस चल रही है मुझे भी बातचीत करने की। आगे आगे मैं इंशाल्लाह अच्छे से बात करने की कोशिश करूँगी क्योंकि थोड़ा सा बात में डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि मैं ज़्यादा उर्दू बात करती हूँ। इधर मैं जहाँ रहती हूँ हमारे गांव में टुमकुर में तो हिंदी बात करने का उतना नहीं आता। हिंदी बात करती हूँ, दो भी करती हूँ, लेकिन दो भी करने में मिक्स हो जाता है। आप बुरा मत मानिएगा। क्या था प्रॉब्लम की वीडियो बना लेते हो? वीडियो बना लियो सामने साथ बना लेते हैं। इधर इधर अच्छा हम गल्ला जी अंदर भी पकड़ो और कोई प्रॉब्लम की बोलो ना ना नका वही प्रॉब्लम भाग पकड़ दो वो तो मैं मच्छी लेकर आ गई। मच्छी की आप वीडियो तो देखी ही होगी। तो मैं मच्छी लेकर आ गई, अभी हम चलते हैं मच्छी बनाने के लिए। मैं कौन सी मच्छी लाई है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और दरिया की मच्छी ही लाई हूं मैं।
और मुझे क्या बोलते हैं खिचखिच दूर करो कि टैबलेट्स खाने की बहुत ज़रूरत है। मुझे गले में खिचखिच बहुत हो रही है, पता नहीं कभी भी वीडियो बनाने एडिट करने बैठ जाती हूँ तो खिचखिच हो ही जाती है। कितना भी कोशिश कर लूँ खिचखिच ना हो लेकिन खिचखिच हो जाती है। तो चलिए मैं मच्छी कौन सी लाई हूँ आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। मच्छी लाई हूँ मैं, मुझे यानी कि फ्रेश तो नहीं मिलती है मच्छी। फ्रेश क्यों नहीं मिलती, क्योंकि वो दरिया की मच्छी है ना, बैंगलोर से वगैरह से आने की रहती है ना वो, तो फ्रेश कहाँ से मिलेगी, वो तो आइस वाली मच्छी मिलेगी। लेकिन वो ज़्यादा ही मुझे ओल्ड दिख रही थी, यानी कि 2-3-4-5 दिन की लग रही थी मुझे ये मच्छी। फिर भी मुझे मच्छी की ज़रूरत थी तो मैंने ला ली। ये इसको तारली बोलते हैं और मत्ती बोलते हैं, तारली मत्ती दोनों भी बोलते हैं, मैं ज़्यादातर इसको तारली बोलती हूँ। बहुत अच्छी है मच्छी, हालांकि वो ताज़ी रहती तो बहुत टेस्टी रहती, लेकिन बहुत मतलब बहुत टेस्टी होती है, ऐसा जो अंदर वाइट वाइट रहता है तो वो मच्छी बहुत टेस्टी बन जाती है। चिकना बहुत रहता है उसके अंदर, वाइट जो वाइट वाली आती है। इसमें दूसरी भी मच्छी आती है तारली सेम ही, वो मच्छी नहीं मिली। अब मैं लहसुन कली और मिर्ची डाल के पीस लूँगी और इमली का खट्टा उसको अच्छे से भिगोने के लिए रख दूँगी और नमक मिर्ची मतलब ये अच्छी से बारीक से पीस लूँगी। और अब प्याज मैं बारीक काट लूँगी। अब मैं सालन के लिए मसाले जोड़ रही हूँ, जो मैंने प्याज को काट लिया है, अच्छा बारीक से प्याज को काट लिया है, 2 मोटी प्याज, 2 हरी मिर्ची, करियापाक, 2 मोटे टमाटो, कोथिमीर, अदरक लहसुन का पेस्ट, इतना सब मैंने जोड़ लिया है। जोड़कर अभी हम इसको आराम से मच्छी क्लीन कर लेंगे, पहले अच्छे से साफ़ कर लेंगे मच्छी को। मच्छी को अच्छे से साफ़ करने के बाद हम बनाएंगे मच्छी का सालन बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं मसाले इतने चाहिए इसको। तो अभी मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है और मैं एक ही हाथ में वीडियो बना रही थी, एक ही हाथ में ये कर रही थी, तो मैं वीडियो सही से नहीं बना पाई बनाने का। तो आप प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिएगा मेरे कहने पर। जो भटकल जो मैंगलोर साइड के रहते हैं उन्हें बहुत पसंद आएगी ये सालन, क्योंकि उनका फेवरेट होगा। मैंने मच्छी को भी क्लीन कर लिया है, तो तेल गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। इमली का खट्टा मैंने भिगोने के लिए रख दिया था ना, आप पहले ही बताई थी, तो तेल गर्म हो गया है। अभी डालूँगी मैं बारीक चॉप हुई प्याज, बारीक मैंने इसको काट लिया था, हाथ में काटा नहीं था तो जल्दी गल जाती है, इसीलिए मैंने इसमें काट लिया है। और एक ही हाथ में मैं वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ में मैं काम कर रही हूँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो देखेंगे ऐसे ही बनाऊंगी। अभी अच्छे से हम इसको तल लेंगे, प्याज को अच्छे से तल लेंगे हम प्याज को। बहुत टेस्टी हुए हैं, बहुत मतलब बहुत टेस्टी हुई है। आप प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा। मैं रेसिपी के साथ फ्लैग भी बनाऊंगी, 2 भी मैं करने वाली हूँ, यानी कि खाली रेसिपी का ही वीडियो नहीं बनाऊंगी, उसके साथ साथ ये भी वीडियो बनाऊंगी और अपना डेली रूटीन शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ आप सब लोगों के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हम सब लोगों का हम यूट्यूबर्स को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, ख़ास करके हम जैसे नए यूट्यूबर्स को। मैं नई तो नहीं हूँ लेकिन मैं आगे सब कुछ बताने वाली हूँ इस पर, इसका क्या प्रॉब्लम हुआ है बोल के। अदरक लहसुन डाल रही हूँ अभी, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची डाल के अच्छे से तल लूँगी मैं। क्यों इतने साल लग गया मुझे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, मैं कहाँ बीच में थोड़ा चालू करके फिर मैंने बिल्कुल 2 साल बंद ही कर दिया था, तो इसमें मैं फिर से नई बन गई हूँ यूट्यूब पर। मेरे ओल्ड वीडियो देख सकते हैं, स्टेटस बनाती थी पहले मैं सॉन्ग के, आप वो भी देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अभी मैं डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मेरा डेली रूटीन तो आप सब लोगों को पता ही होगा, ऐसा नया नया कुछ बनाने की कोशिश करूँगी। अभी डालेंगे हम हल्दी पाउडर,
हल्दी पाउडर के बाद अब डालेंगे धनिया पाउडर, क्योंकि पीसे हुए ये पीस क्या बोलते हैं धनिया का पाउडर, मेरे पास धनिया नहीं थे तो मैंने मिर्ची में नहीं डाले, इसीलिए मैंने धनिया पाउडर मसाले में डाल के अच्छे से तल रही हूँ। देखिए अच्छे से तल लेंगे हम इसको, अच्छे से तल के अभी डालेंगे हम इसको अच्छे से, थोड़ा सा खुशबू जाने तक तलने के बाद अभी डालेंगे टमाटर, बारीक काट लेना है टमाटर को। अभी डालेंगे करिया पाक, अच्छा उसको भी अच्छे से तल लेंगे, जल्दी ही तले जाएगी वो, क्योंकि मैंने सबको छोटा बारीक 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 मैंने काट लिया है, जल्दी ही पक जाएगा मसाला। अभी डालेंगे साल्ट, मैंने इसमें डाल लिया था साल्ट जो मैंने मसाला पिसा, नमक मिर्ची उसमें थोड़ा डाल दिया था, इसीलिए इसमें थोड़ा कम डाल रही हूँ नमक, आपके टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं नमक। अभी डालेंगे मैंने जो मिर्ची पीसी हुई है ना वो मिर्ची डाल के थोड़ा सा तल लेंगे मिर्ची को, ऐसे भी सादा भी बना सकते हैं लेकिन ऐसे तल के बनाने से नमक मिर्ची बहुत अच्छी होती है, सालन नमक मिर्ची बोलते हैं उधर साइड, मैंगलोर भटकल उधर शिरूर सभी नमक मिर्ची बोलते हैं, अब हमारे इधर की तरफ से तो सालन ही बोलते हैं मच्छी का, उसको भी अच्छे से तल लूँगी। तलने के बाद डालूंगी अभी इमली पानी, इमली पानी डाल लिया है मैंने, अभी डालेंगे इसमें पानी, पानी डाल के जितना पतला है उतना पतला रख देंगे, उसमें आपको जितना चाहिए उतना आप पानी बना सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं जितना मतलब कढ़ाई भर के नहीं, आपको जितना मतलब जितना गाढ़ा चाहिए उतना आप बना सकते हैं। सालन पक रहा है, अब हम इसको अच्छे से पकने छोड़ेंगे, पानी डाल के मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, अच्छे से पकने के बाद हम मच्छी डालेंगे इसमें, मच्छी डाल रही हूँ, डालने के बाद इसको अच्छे से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है पकने के लिए मच्छी को, 10 यानी कि मच्छी पकने तक छोड़ देना है ढाप कर स्लो आंच में धीमी आंच में, मैंने मच्छी को छोड़ दिया है, अभी थोड़ा मैंने फ्राई के लिए बचाया है, वो मच्छी को फ्राई के लिए मैं रखूँगी, मैं फ्राई के लिए मसाला लगाऊँगी, मसाला कुछ नहीं है बताऊंगी आपको मैंने क्या मसाला लगाया है, तो मैंने मच्छी को डाल दिया है, अभी उसमें पकने के बाद 5 से 10 मिनट मच्छी पकने के बाद हम उसको चूल्हे से उतार लेंगे, मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मैं उतारने के बाद जल्दी से जल्दी खाना खा लूँगी, ज़ोरों की भूख लगी है और जो पसंद की चीज़ होती है वो देखने पर तो बहुत ज़्यादा ही भूख लगती है। देखिए अभी मैं कर रही हूँ मच्छी फ्राई के लिए, मैंने तो मैंने वो जो मिर्ची और लहसुन पीसा था वो इसमें डाल के मिक्स कर दूँगी, मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगी, उतना ही मसाला है फ्राई का, ये दरिया की मच्छी के लिए सिर्फ मोटी मिर्ची आती है ना, मोटी मिर्ची और धनिया का जो धनिया मिलती है सारी धनिया, वो धनिया दो लहसुन के लिए डाल के पीस के फ्रिज में रख देना है आपको ये मिर्ची को,
अभी मच्छी लाने के बाद फटाफट से क्लीन करना है और ऐसा मसाला लगा के रख देना है, बहुत टेस्टी बनेगी। ना तो उसमें नींबू डालना है ना तो कुछ और मसाला, ऐसे ही बनती है। भटकल, बैंगलोर, मैंगलोर, कुंदापुर वो साइड पूरा ऐसे ही बनाते हैं। देखिए मेरा सालन तैयार है, अभी मुझे ज़ोरों की भूख लगी है। अभी मैंने खाने के लिए बैठ गई हूँ तो आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। खाने के लिए बैठ गई हूँ, अभी मैं खा रही हूँ खाना, इसीलिए मैं आकर हॉल में बैठ गई हूँ। अभी हम लोग खाएंगे खाना खाएंगे। पहले देखिए आप मैंने क्या किया, कैसे निकाला है, बहुत टेस्टी बनी है। आप यकीन नहीं मानोगे, आप प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी बनी है। मैं एक हाथ में एक मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे बिल्कुल मोबाइल सीधा पकड़ने के लिए, वीडियो बनाने के लिए नहीं हुआ। देख सकते हैं कितना टेस्टी हुआ है, इसीलिए नीचे भी गिर रहा है, तो बुरा मत मानिएगा। एक हाथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, बहुत टेस्टी भी है डिश, आप प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ओके, तो बन के तैयार है मेरी मच्छी फ्राई। अभी मैं जा रही हूँ सेलिब्रेट के लिए केक लाने के लिए, केक और मुझे जो चाहिए सेलिब्रेट के लिए वो लाने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए आज का सेलिब्रेट भी कर देते हैं यही वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में आप सब लोगों को। मेरी नेक्स्ट वीडियो बनने वाली है, आज मैंने मेरे फ़ोन पे स्टेटस डाला हुआ था 2.5 के का, तो सब लोगों ने मुझे आया है या नहीं पूछ रहे थे यूट्यूब से पैसा वगैरह, मैं वो भी शेयर करने वाली हूँ। देखिए मैं आ गई हूँ मयूरा बेकरी, जो टुमकुर वाले तो बहुत लोग मेरे देखते हैं वीडियोस, उन्हें तो पता होगा कि मयूरा बेकरी है। बहुत सारे केक थे मैंने छोटा सा लेके, पूरा आइस केक है, मैंने एक छोटा सा केक लेके थोड़ा सेलिब्रेट करने के लिए है ना, मैंने छोटा सा केक ले लिया, ये वाला केक ले लिया मैंने। बहुत टेस्टी था केक, मुझे वैसे तो ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, फिर भी मैंने केक को खाया, बहुत टेस्टी बना था। और मैंने लगे हाथ वीडियो भी बना ली पूरे शॉप की, तो आप सब लोग देख सकते हैं हर चीज़ मिल जाएगी इस मयूरा बेकरी में, हर चीज़ भी लजीज मिलेगी आपको, बहुत टेस्टी मिलेगी। जो मीठे के शौकीन हैं, जो मीठे के लवर्स हैं, वो आराम से उधर जाके ले सकते हैं, टुमकुर वाले होंगे तो हर चीज़ मिल जाएगी उधर, कोल्ड ड्रिंक से पकड़ के आइसक्रीम से पकड़ के हर रकम का हर चीज़ भी मिल जाएगी। मैंने बहुत सारी बेकरी है, लेकिन इधर बहुत हर चीज़ भी मिलने की वजह से इधर आना अच्छा लगता है। इधर जूस वगैरह हर चीज़ भी मिल जाएगी, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं वीडियो मेरी कैसी लगी प्लीज़ मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें आगे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। अगर कुछ गलत भी बना रहे, कुछ गलत भी बात किए हो कि अब खुद गलत मैंने वीडियो सही नहीं बनाई हो, तो हमें भी ऐसी नॉलेज हो जाएगी कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा करना है हमें बोल के। और आप सब लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जल्द से जल्द 2.5K के अभी ज़्यादा बढ़ाना है, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, मैं यूट्यूब फैमिली को मैं बहुत बहुत मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा यूट्यूब पर एक्टिव भी नहीं रहती, फिर भी मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए, तो मैं उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे यूट्यूब फैमिली में आगे जुड़ने वाले हैं, उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ, क्योंकि आप सब लोगों की बदौलत मैं आए 2.5K मैं सब्सक्राइब कंप्लीट कर पाई हूँ। आगे आगे आप मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार दीजिएगा, आप सब लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है मुझे। और चलिए आप वीडियो पे बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, आगे हम सेलिब्रेट के लिए जाएंगे। आपको ये बेकरी कैसी लगी वो भी फीडबैक दीजिएगा। देखिए जूस काउंटर है, जो टुमकुर वाले होंगे पूरे तो उधर ही जा रहे हैं, पूरा
हर आदमी उधर ही जाके सब कुछ ले रहा है, इधर जूस काउंटर है ये। तो चलिए आप वीडियो पर मेरे बने रहिएगा लास्ट तक। आज सेलिब्रेट करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है मेरी वीडियो पे आज, और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने पहली बार तो मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि फैमिली वाले वीडियो पे आने के लिए मना करते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा छोटी ही वीडियो बनाई हूँ सेलिब्रेट की, सब लोग थे तो चलिए मेरा 2.5 का केक कट गया तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सब लोगों का फिर से एक बार शुक्र अदा करती हूँ कि आप सब लोगों ने मेरा 2.5 के व्यूवर्स कंप्लीट करिए। हालांकि 1000 को ही सेलिब्रेट किया जाता है लेकिन मैं एक्टिव नहीं थी तो मैं अभी सेलिब्रेट कर रही हूँ। मेरा 1000 कब हुआ मुझे ही पता नहीं था क्योंकि मैं एक्टिव नहीं थी बहुत दिन, इसीलिए आप सब लोगों को अभी केक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ओके बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़। आप सब लोग दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।